सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। IPL 2019 के 47वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स KKR ने मुंबई इंडियंस को 34 रनों से हरा दिया। आमिर रसेल ने ऑलराउंडर खेल दिखाया और जीत में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। रसेल को मैन ऑफ द मैच चुना गया। ये हाई स्कोरिंग मैच रहा जिसमें KKR ने बाजी मारी। आमिर रसेल ने 40 गेंदों पर नाबाद 80 रनों की पारी खेली और मैच में बड़ा फर्क पैदा किया। KKR ने 20 ओवर में 2 विकेट पर 232 रनों का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में मुंबई इंडियंस 7 विकेट पर 198 रन ही बना पाई और लक्ष्य से 34 रन दूर रह गई। मुंबई इंडियंस के लिए हार्दिक पांड्या ने 34 गेंदों पर 91 रनों की पारी खेलकर मैच को रोमांचक बना दिया। हार्दिक ने 9 छक्के लगाए, लेकिन इस तूफानी पारी के बावजूद मुंबई इंडियंस को हार का सामना करना पड़ा। मैच के बाद रसेल और हार्दिक आकर्षण का केंद्र रहे। KKR टीम के मालिक फिल्म स्टार शाहरुख खान मैदान में आए और उन्होंने रसेल को गले लगाया। शाहरुख टीम के अन्य खिलाड़ियों से भी मिले और हार्दिक पांड्या को भी गले लगाया। KKR का ये इस सीजन में कोलकाता में अंतिम मैच था। इसमें शाहरुख खान ने स्टेडियम का चक्कर लगाकर सपोर्ट करने आए दर्शकों का आभार माना। अगर आप IPL के फैन हैं और IPL 2019 से जुड़ी हर लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आपको यहाँ पर IPL 2019 से जुड़ी हर खबर सबसे पहले मिलेगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।